अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है आपको इसमें मैं बताती हूँ, इनाया जो है माशाल्लाह से स्कूल गोइंग हो गई है, तो मैं यहाँ बैठ के उनका यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी रात का वक्त तक। तो बस जल्दी से मैं फ्री हुई और सोचा पहले इनाया का यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दूँ, सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता। अच्छा फ़ोन पे बताना था, जल्दी से खा लो, देर हो रही है, जल्दी से खा मेरा बेटा। फिर आपको मैं भी यूनिफॉर्म पहना के अच्छे अच्छे से रेडी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है, अच्छा अच्छा से पढ़ेंगे लिखेंगे। इतनी सारी मैं भी गर्ल्स होंगी आपकी साइज की, आपकी एज की, आपको मजा नहीं आना? आपकी नया बैग है, आपके पास नया यूनिफॉर्म आया है, आपकी सारी कॉपीज नहीं है और न्यू है, और वो जो है आपको सारी जो स्टेशनरी ला के दी मम्मा ने, बाबा ने आपको दिलाई है, कलर्स हो गए, पेंटिंग हो गई, स्केच बुक हो गई, इतनी सारी तो चीज़ें आपको न्यू लेके दी है ना? कितने मज़े वाली बातें ना ये तो। ओके ओके, शुक्रिया। माशाल्लाह तो नहाए तो स्कूल के लिए रेडी हो गई फटाफट। कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल। क्या करेंगे स्कूल जाके? पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा सब पढ़ेगी ना? ना इतनी प्यारी लग रही ना है माशाल्लाह। अब जल्दी से निकलते हैं स्कूल के लिए। सही है। अनाया को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात की इतनी थकन थी और सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था मेरा। तो उठने के बाद फिर मैंने जो है जो रात का फैलावा इतना ज़्यादा हो गया था तो उसको समेटा और जो है बर्तन आपको मैं दिखा रही थी कि देखें सब बर्तन धुल चुके हैं, पतीले मन चुके हैं। तो बस ये होता है कि जो है ना एक हफ्ते से दावत हो रही थी, लेकिन जो है जब एक मिनट में जो है ना खाना खा के फारिग हो जाते हैं और जो बात का फैलावा होता है, तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि सब बर्तन को यहाँ पे मैंने तख्त साइड पे करके उस पर चादर बिछा के बर्तनों को बिल्कुल सेट करके इस तरह से रख दिया है कि ये खुशक होंगे, उसके बाद जो है ना इनको अपनी अपनी जगहों पे रखा जाएगा। तो जो है ये बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा काम लग रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो है ये काम भी साथ खैरियत से हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हैं? अच्छा नाया स्कूल से आ गई है, फ्रेश हो गई नहा धो के? यस यस, आज ये स्कूल से यस सीख कर आई है। क्या सर आपका फर्स्ट डे स्कूल में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, कर क्या रही हैं आप? ये इतनी सॉरी लिपॉम से बैठे पहले। क्या सर आपने आज स्कूल में क्या क्या करा? बस काम ही कर रही। काम ही कर रही है, रख दे पहले। और टीचर आपकी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। आप लोग मेरे घर नहीं आए तो बता दे हम आपको लेने आ जाए, वो अच्छा है। किसको इनविटेशन दे दिया? अपने दोस्तों को। इधर देखो, अपने दोस्तों को दे रही हूँ, मैं नानियों को दे रही हूँ। मैम नानियों को? कितनी नानियाँ हैं? इनका मतलब है कि मेरी खाला इनकी नानी, मेरी पर नानी, मेरी नानी इनकी पर नानी, और नानी जो इनकी ऑफिशियल नानी है वो नानी, तो इन सबको इसने मिक्स कर दिया नानियों को। मम्मा की नानी एक के घर बिल्ली, एक के घर नहीं है। ओके, एक जो नानी है उनकी यहाँ कैट है और एक दूसरी वाली नानी क्या नहीं है? दूसरी नानी क्या है? तोता दूसरी नानी नहीं। अच्छा, मेरी मतलब मेरी नानी है अनाया की पढ़ नानी, उनका तोता है, और मेरी जो खाला है अनाया की दूसरी वाली नानी, उनका कैट है। और कुछ बताना चाह रही हैं आप? यस, और जो है ना मुझे मजा भी आया है थोड़ा। सी देखिए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सी आई आर सी एल ई सर्कल। अनाया मैं सही में बता रही ना? नहीं मैं गलत बता रही हूँ, मैं सही बताऊंगी ऑब्वियसली। एक तो इनको पढ़ाओ फिर ये सही बता रही है ना। ये और ये यहाँ पे,
नाया देखिए काम करिए, होमवर्क करिए नाया। आप स्कूल जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपनी नानी भी खुश हो रही है कि जो है ना मैं रोकर नहीं जाती और हंस के जाती। इनकी नानी खुश हो रही है, बाकी सब गमगीन बैठे हैं। आपने कहा मेरी नानी भी खुश हो रही है, तो मतलब सिर्फ नानी खुश हो रही है आपकी, आप स्कूल जा रही है तो। बड़े बड़े हो रहे ना, बालों को छोड़ो, पढ़े हैं जल्दी जल्दी से इसको पढ़ाना, बहुत ज्यादा टफ है। लेके बैठी रहेंगी अब ये भी नहीं कि इनको दे दिया और अपने काम और कर लिए। तो मैं अब ये करेक्शन करती हूँ, मैं खुद नहीं करती। पैसा नहीं है कि इनको बिठा दिया, अनाया अब ये काम करो, मैं अपने काम को निपटा कर आ जाऊँ। इनको बताना पड़ता है नहीं इस तरह नहीं। अभी जो है ना स्टार्टिंग है इनकी, तो इनको बिठा कर ही काम होमवर्क कराया जाएगा। ओके ना आया, तो प्यारा प्यारा लिख रही ना आया, तो माशाल्लाह ना नाया को होमवर्क करा के अब मैं किचन में आई हूँ। ये जो है ना अभी मैदे का आटा गुना है, तो ये भी थोड़ा सा रफ है, अभी ये इसको दोबारा गूंदी हूँ। तो ये पराठों के लिए अभी पराठे बनेंगे, क्योंकि कल जो दावत में कचरी कीमा था, तो उसके लिए अभी आज हम पराठों के साथ खाएंगे। साथ ही एक कोई मावर इसको चढ़ा दिए मैंने, ये सुबह दुकान के लिए। बर्तन कुछ पड़े हुए थे वो धो दिए, बाकी बाहर के सारे बर्तन सिमट चुके हैं।